हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा ACCC एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इंजीनियर बनने का सपना लाखों स्टूडेंट्स का होता है, मगर बहुत ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो बचपन से ही इंजीनियर बनना चाहते हैं लेकिन उनका सपना जानकारी के अभाव में असफल हो जाता है। इसीलिए जो स्टूडेंट्स 12वीं के बाद BTEC इंजीनियर बनना चाहते हैं वो ACCC एंट्रेंस एग्ज़ाम में सफलता हासिल करके एक अच्छा इंजीनियर बन सकते हैं। दोस्तों, अमृता विश्वविद्यापीठम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर आप एक सफल इंजीनियर बन सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी से सफलता हासिल करने के बाद आपके पास जॉब्स के कई ऑप्शन होंगे। आप किसी रिप्यूटेड कंपनी में जॉब कर सकते हैं या आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ACCC का फुल फॉर्म अमृता विश्वविद्यापीठम यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। ACCC एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम है जिसको क्रैक करने के बाद आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी के 3 कैंपस हैं, कोयम्बटूर, बेंगलुरु और अमृतापुरी में। दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी के द्वारा लगभग 200 तरीके के कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। दोस्तों, आपको इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करना होता है, जैसे कि कैंडिडेट 12वीं कक्षा में 60% मार्क्स लाने होंगे कैंडिडेट को और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए और भारत के किसी भी स्टेट बोर्ड या हायर सेकेंडरी स्कूल से कैंडिडेट 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। दोस्तों, ACCC एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस में मेनली 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। एग्ज़ाम में इन्हीं 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैंडिडेट को चाहिए कि वो ACCC एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाई करे और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी करे। अब मैं आप लोगों को ACCC एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस बता देता हूँ। बात करें मैथमेटिक्स के सिलेबस की तो इसका सिलेबस है कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर इनइक्वालिटीज़, परम्यूटेशंस एंड कम्बिनेशंस, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, रिलेशंस एंड फंक्शंस, प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्री, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, द स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, सर्किल एंड फैमिली ऑफ सर्किल्स, कॉनिक सेक्शंस, वेक्टर अलजेब्रा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। दोस्तों, बात करें फिजिक्स के सिलेबस की तो इसका सिलेबस है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, मैकेनिक्स, सॉलिड एंड फ्लूइड्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, रेज एंड वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटोस्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ऑसिलेशंस एंड वेव्स। दोस्तों, वहीं बात करें केमिस्ट्री के सिलेबस की तो इसका सिलेबस है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशंस, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड टेक्निक्स, हाइड्रोकार्बन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्किन्स, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड इथर्स, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड अमाइन्स, पॉलीमर्स एंड बायोमोलिक्यूल्स, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। दोस्तों, ACCC एंट्रेंस एग्जामिनेशन पैटर्न को आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि इस एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस एग्ज़ाम को पूरा करने के लिए कितना समय दिया जाता है। इन सभी बातों को आपको अच्छे तरीके से जान और समझ लेना चाहिए। दोस्तों, ACCC एंट्रेंस एग्जामिनेशन को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में लिया जा सकता है और इस एग्ज़ाम को पूरा करने के लिए आप लोगों को 2.5 घंटे का समय दिया जाता है और इस एग्ज़ाम में कुल 300 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें फिजिक्स से 90 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और केमिस्ट्री से 90 मार्क्स के और मैथमेटिक्स से 120 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों,
इस एग्ज़ाम में कुल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट शामिल होते हैं। और इस एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाते हैं। दोस्तों, जब आप ACCE एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए सोचते हैं, तो सबसे पहले कोचिंग सेंटर का नाम आप सोचते होंगे, जहाँ से इस एग्ज़ाम की तैयारी को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके। क्योंकि इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करना बहुत ही कठिन होता है। दोस्तों, भारत में बहुत से कोचिंग सेंटर्स हैं जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करने का दावा करते हैं, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिलती है और कोचिंग का फीस भी बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों, इसीलिए अब हम आपको कुछ कोचिंग सेंटर्स के नाम बता देते हैं जो आपको ACCE एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सफलता दिला सकते हैं। ये कोचिंग सेंटर्स हैं आकाश इंस्टीट्यूट, टॉपर, कैरियर पॉइंट, मोशन IIT, JEE, रेजोनेंस, LN कोचिंग इंस्टीट्यूट, टारगेट IIT, JEE, PMT कोचिंग इंस्टीट्यूट, राव IIT अकेडमी, बंसल क्लासेज, नारायणा क्लासेज, विद्या मंदिर क्लासेज, वाइब्रेंट अकेडमी और सुपर 30। ये कुछ कोचिंग सेंटर्स हैं जहां से आप ACCE एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं, और ये सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता है जब तक कि आप अच्छी किताबें ना पढ़ लें। इसीलिए ACCE एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आपको कुछ अच्छी किताबों को पढ़ना होगा, क्योंकि केवल किताब ही आपको इस एग्ज़ाम में सफलता दिला सकती हैं। एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों का जवाब सिर्फ बुक्स में ही होता है, इसलिए आपको कुछ लिमिटेड बुक्स जो कि टीचर्स के द्वारा बताए गए हैं, वही किताबें खरीदनी चाहिए और उन किताबों को बार बार पढ़ना चाहिए। अब मैं आप लोगों को कुछ बुक्स के नाम बता देता हूं जो कि आपकी ACCE एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल होंगी। ये बुक्स हैं 40 ईयर्स चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स बाई फॉर IIT JEE मैथमेटिक्स 2018-1979, NCERT क्लास 12th मैथमेटिक्स, NCERT क्लास 11th मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स बाई RD शर्मा, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाई SC वर्मा, अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स बाई DC पांडे, फिजिक्स प्रॉब्लम्स बाई IE रुडोव, फिजिक्स NCERT फिजिक्स, केमिस्ट्री बाई प्रदीप्स पब्लिकेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाई OP टंडन और क्लास 12th NCERT केमिस्ट्री। दोस्तों, ACCE एंट्रेंस एग्जामिनेशन को पास करने के लिए आपको कड़ी मेहनत और लगन की ज़रूरत पड़ती है, और ये मेहनत तभी सफल होती है जब आपको एग्ज़ाम पास करने की तरकीब और रणनीति मालूम हो। दोस्तों, ACCE एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सफलता हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले इस एग्ज़ाम का सिलेबस मालूम होना चाहिए, और इस एग्ज़ाम का सिलेबस और सिलेबस के टॉपिक्स को आप डिटेल में जानें और पढ़ें। दोस्तों, आपको एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, जिससे कि आपको सिलेबस के सब्जेक्ट को पढ़ने में कठिनाई नहीं हो और आप रोज़ाना पढ़ाई कर सकें और आप ज़्यादा दिन का गैप ना छोड़ें। दोस्तों, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाई करने में कठिन लगता हो, उसे उसमें ज़्यादा टाइम दें और उस सब्जेक्ट या टॉपिक को अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर डिस्कस करें, और उस सब्जेक्ट को आसान बनाने के लिए आप अपने टीचर से भी गाइडेंस ले सकते हैं, जिसके बाद ये सब्जेक्ट आपको आसान लगने लगेगा। दोस्तों, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको टॉपिक्स के फार्मूलाज और कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि आप उस टॉपिक को रटें, लेकिन आपको टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। दोस्तों, जब आप ACCE एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं, तो आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स जरूर बनाने चाहिए। नोट्स बनाने से आपको टॉपिक्स को रिवाइज करने और याद रखने में आसानी होती है। दोस्तों, जब आप ACCE एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं, तो आपको इस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से आपको इस एग्जामिनेशन के पैटर्न को जानने में मदद मिलेगी। दोस्तों, जब आप ACCE एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं, तो आपको बुक्स में दिए गए मॉक टेस्ट को सॉल्व करना चाहिए। मॉक टेस्ट को सॉल्व करने से आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, एग्जामिनेशन में टाइम बचाने के लिए आपको कुछ टाइम मैनेजमेंट या कुछ शॉर्टकट भी आपको मालूम होना चाहिए। आप घर पर एग्जामिनेशन की तैयारी करते समय शॉर्टकट्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम देते समय जब आपको कोई सवाल का जवाब नहीं आता हो, तो आप पॉजिटिव फील करें और दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, और अंत में आप जिस किसी सब्जेक्ट या टॉपिक में कमज़ोर हों, तो आप उसे अपने फ्रेंड्स या फिर टीचर के साथ मिलकर डाउट क्लियर करने की कोशिश करें, या फिर आप किसी कोचिंग की मदद भी ले सकते हैं।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जाना अमृता विश्व विद्यापीठम यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी, यानी कि ACCC एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करें, और इसके बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल से बताया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड सभी से जरूर शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।